आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चित्र में दर्शाए गए परिपथ के लिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यह बिंदु ए है तथा यह बिंदु बी है, ठीक है। इसके बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चार प्रतिरोध है, 2 ओम, 12 ओम, 4 ओम तथा 5 ओम का। कुछ प्रतिरोध इसमें समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा कुछ उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। अर्थात इसमें मिश्र क्रम में प्रतिरोधों का समायोजन हुआ है। तो इस बिंदु को हम बिंदु सी बोल देते हैं तथा इस बिंदु को बिंदु डी बोल देते हैं, ठीक है छात्रों। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बिंदु सी तथा डी के बीच के तुल्य प्रतिरोध की, है ना, बिंदु सी तथा डी के बीच के तुल्य प्रतिरोध की, तो लिखते हैं यहाँ पे बिंदु सी तथा डी के बीच तुल्य प्रतिरोध हम देख सकते हैं छात्रों, बिंदु सी तथा बिंदु बी, है ना, यह दो बिंदुओं के बीच में हमारा 12 ओम तथा 4 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रतिरोधों का एक एक जो सिरा है वह किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से आके जुड़ रहा है। अर्थात इस तरीके का जो संयोजन होता है वह हमारा समांतर क्रम होता है। तो यहाँ पे समांतर संयोजन हुआ है समांतर क्रम में। तो इसके लिए हमारा जो सूत्र होता है वह होता है 1/r', जहाँ पे हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बिंदु सी तथा डी के बीच में, ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। यहाँ पे r1 का मान हम 12 ओम ले लेते हैं तथा r2 का मान 4 ओम ले लेते हैं। इसको हल करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1/r' बराबर 1/12 प्लस 1/4। अब जब हम इसको हल करेंगे इसका मान यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे 12 आ जाएगा, 12 × 12 प्लस 4/3, 4 से भाग देंगे 12 में, 3 आ जाएगा। तो इसका मान यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1/r' बराबर ये आ जाएगा 4/12, जिसको हल करने पे हमारा मान आएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, है ना, 1/3। तो r' का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, r' का मान यहाँ से निकल जाएगा 3 ओम। अर्थात बिंदु C तथा D के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया वह हमारा 3 ओम आ गया। हम चित्र को दोबारा से बना लेते हैं। यह हमारा बिंदु A है, ठीक है, यह बिंदु A है। यहाँ पे हमारा जो प्रतिरोध है 2 ओम का है। उसके बाद में यहाँ पे एक प्रतिरोध, ये जो बिंदु सी तथा डी के बीच का जो प्रतिरोध आया, बिंदु सी तथा डी के जो बीच का प्रतिरोध आया, यह आया हमारा 3 ओम का, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रतिरोध 2 ओम है और उसके बाद में यह लाइन इस तरीके से आगे गई है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रतिरोध है हमारा 5 ओम का है, ठीक, और यह हमारा बिंदु बी है। अब अगर हम देखें छात्रों, तो बिंदु ए तथा बी के बीच में यह 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम, यह तीनों जो प्रतिरोध है, यह तीनों जो है हमारे श्रेणी क्रम में संयोजित है, है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम अगले पृष्ठ पे करते हैं इसको। बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, R eq बराबर इसके लिए सूत्र होता है R1 + R2 + R3, है ना। अगर हम चित्र से देखें छात्रों, तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा प्रतिरोध था, यहाँ पे हमारा प्रतिरोध था 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम का, है ना। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। हल करने पे इसका मान आ जाएगा 10 ओम। अर्थात हमारा जो बिंदु ए तथा बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह हमारा हो जाएगा 10 ओम। यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।
कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।